सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक हो, तो मेरी तरफ से पहली सहरी मुबारक हो। तो गाइस अभी चाय निकाली जा रही है। तो गाइस चना आलू बनाने के लिए हम ना चने को पहले बॉईल करेंगे। मेरे को ट्यूशन जाना है तो हम अभी आपको बस आधे ही बताएंगे कर बस इसको हम बॉईल करने रख देंगे। और हम कभी भी चिकन मंगाते हैं ना, तो चिकन में से ना बोन को ना हम अलग करा लेते हैं और उसको हम ना स्टॉक बना लेते हैं। तो इस बोन का ना हम चिकन स्टॉक बना लेते हैं और ये ना बहुत यूजफुल होता है। अगर आपको कभी पुलाव बनाना हो तो आप पुलाव में इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि दलिया में। तो अभी तो मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया तो मैं अभी जा रही हूँ, बट फिर मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। और रमजान की पूरी तैयारी करना है सामने कि हम नॉर्मल स्प्रिंग रोल्स बनाएंगे और वो जो बॉक्स पेटीज है वो बनाएंगे। रशियन कबाब को भी हम फ्राई करेंगे अच्छे से। सो मैं आपको मिलती हूँ शाम में। तो अब हम इन दोनों को बॉईल करने रखेंगे। तो हम ना चिकन में डालेंगे जिंजर गार्लिक और सॉल्ट, और हम इसमें चने में बस सॉल्ट डाल के इसको बॉईल करने रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत जोगे। तो गाइस आज हम बनाने वाले चिकन मैक्रोनी चीज बॉक्स पेटीज। इसका नाम सुनकर तो गाइस ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब देखते हैं कैसे रेसिपी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ये सब इंग्रेडिएंट हमें चाहिए। तो ये है बॉईल किया हुआ चिकन जिसको हमने अभी श्रेड कर लिया था, और ये है हाफ कैरेट चॉप, ये भी हाफ कैप्सिकम पे वो भी चॉप हो चुकी है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू द सॉल्ट, और ये है मतलब हाफ ऑनियन जिसको भी चॉप कर लिया था। इन तीनों को हम लोग ने चॉप मतलब हमें चॉप कर लिया था। ये जिंजर गार्लिक है और ये है सम चिलीज। सबसे पहले अब हम इसका व्हाइट सॉस बनाते हैं। सो गाइस अब हम चीज ऐड करते हैं हमारे व्हाइट सॉस में। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ना हमारे व्हाइट सॉस की रेसिपी दे, तो आप जाइए लज़ानिया में, वहाँ पर आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। ऑलमोस्ट हो चुका है, बस चीज मिनट होने तक का वेट करेंगे। व्हाइट सॉस हमारा रेडी हो गया। अब हम चिकन की स्टफिंग बनाते हैं। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे अब हम इसमें पुट कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम ये सब इसमें ऐड कर देंगे, चॉप जिंजर गार्लिक, चॉप ग्रीन चिली एंड ऑनियन जो मैंने आपको बताया थी ऑलरेडी। थोड़ा सा सॉटे करेंगे। अभी हमने लिया 1 कप मैक्रॉन जिसको हमने बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट एंड कैप्सिकम, ब्लैक पेपर और अकॉर्डिंग टू द सॉल्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड मैक्रॉन। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गाइस ये देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी हो चुकी है। अभी इसमें ऐड करेंगे हमारी चीज व्हाइट सॉस। तो गाइस ये देखिए कितना क्रीमी और कितना चीजी है। तो गाइस मैं रमजान के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तो हम इनको चॉप अप करके रख देंगे, बिकॉज परसों रमजान है। तो हम आपको रमजान के दिन इसको फ्राई करके दिखाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड फॉर रमजान। फ्राई नहीं करेंगे उसको, हम स्टोर कर सिर्फ रख देंगे। आप इसको 2 या 3 वीक तक स्टोर कर रख सकते हैं। चलिए अब हम इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। तो हमने लिया मोज़रेला चीज़, पेस्ता,
और ये पट्टी, ये पट्टी हमने ऐसे स्ट्रेट रखा है। सो गाइस ये देखिए हमने ऐसे दो पट्टियां लिया, हमने इसको प्लस की तरह रखना है। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज। पूरी फ्रीज में इसमें ऐड करेंगे मैक्रोनी चिकन स्टफिंग। एकदम हमें सेंटर में करना है। अब हम फर्स्ट ये वाले उठाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। हमें इसको प्रेस कर कर लेना है दबा कर। हम इसमें स्लरी लगाएंगे साइड साइड में। अब हम इसको प्रेस कर कर वैसे ही कर देते, कुक कर देते। थर्ड वाला और लास्ट वन डन हो चुका है। ऐसे हम सब रेडी कर लेते हैं, फटाफट से। सो गाइस ये देखिए हम लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, मेरी मम्मा और मैं आकर। चलिए अब हम फटाफट कर लेते हैं। मम्मा प्लेट यहाँ से हटाओ। भाई देखिए मेरी मम्मा और मैं कैसे तैयारी करते हैं रमजान की। अरे प्लेट हटाओ, सैलरी लगा दो। वैसे हमारी डिस्कशन चलती रहती है पूरी वीडियो में, कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है हम दोनों का। तो अब हम आपको ना इसकी जो ये जो इसका फ्राइंग होगा ना, फ्राइंग वाला पार्ट हम आपको रमजान के दिन करके दिखाएंगे। तो मैं आपको रमजान के दिन मिलती हूँ, बाय। हम लोग इसके ये बैग के अंदर पुट कर हम ना इसको फ्रीजर के अंदर रख देंगे। तो इससे फ्रीजर में स्पेस भी अच्छी खासी बड़ी रहती है। अब हम इसको पैक कर देंगे और इसमें फुल 5 पीसेस आराम से आ गए। और हम इस टेस्टी से आपको परसों फ्राइड राइस खाएंगे। पैन गरम हो गया, हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। में इसमें डालेंगे राई 1 टीस्पून और डालेंगे हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, जीरा। इसको थोड़ा स्पेटर होने देंगे। अब डालेंगे चॉप गार्लिक, इसको भी थोड़ा सा पकने देंगे, इसमें फ्रेगनेंस आने देंगे। हमने ऐड कर दिया 2 बॉइल्ड पोटैटोज। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इन सबको अच्छे से। अब हम डालेंगे इमली का पल्प और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे हमारे बॉयल किए हुए चने, अच्छे से मिला लेंगे इन सब चीज़ों। ऐड करेंगे बेसन का घोल और उसे 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। हमारी अफ्तारी रेडी हो गई है। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सॉरी गाइस, मैं आपको ना रोजा खोलने के वक्त का वीडियो नहीं बता पाई, बिकॉज ना हम लोगों ना रोजा खोलने बहुत देर लगा रहा। सो गाइस अजान होने तक ना हमारा टेबल सेट हो रहा था। और गाइस आपको एक बात बोलूं, हम लोग तो मतलब ये देखिए रोजे के बाद किचन कितना गंदा होता है और इसको साफ करना सबसे बड़ा इशू होता है। और सॉरी गाइस, मैं ना पहले सोची थी कि हम लोग ना हर रोज रमजान के दिन ना हर रोज एक रोटी बनाएंगे रमजान का। तो मैं वो नहीं बना सकती बिकॉज टाइम नहीं रहता है और आज तो मेरे डैडी भी लेट आए ना, तो मेरे डैडी भी कभी कभी मम्मा की हेल्प करते हैं। और आज मैं भी ट्यूशन में थी बिकॉज आज मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैं अभी फ्री नहीं हूँ इतना। सॉरी, मेरे लिए किचन कितना गंदा है, इसको क्लीन करना है। सुबह तो आंटी भी नहीं आने वाले, काम करने गए थे।